यहाँ पे घूमेगा एक और राउंड, पैर नहीं रखना होता शायद, इन्होंने पैर रख दिया, बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर ऐसे घूमना है, फिर वापस घुमाना है और बस यहाँ से बाहर। मेरा जो लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट था वो क्लियर हो गया, मतलब उसमें पास हो गया हूँ। 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 7 का आंसर सही सही देना होता है, शायद 7 या 6 का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 10 में से 9 का आंसर सही दिया। 1 गलत था क्योंकि 1 का मुझे मतलब डाउट सा था, लेकिन 1 गलत हो गया था, लेकिन मैं पास हो गया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त मगन मजे में होंगे। आज के दिन हम इस वीडियो में, यानी मैं और आप, इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं RTO ऑफिस, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस का जो अपॉइंटमेंट डेट होता है वो आ गया है। दिसंबर में ही मैंने अप्लाई किया था और अब जाके मेरे लर्निंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट डेट आया। बहुत टाइम लग रहा है भैया, बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं ना लाइसेंस बनवाने का, तो मेरा यकीन मानिए सबसे पहले जाके अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा सोचने के लिए कि मुझे लाइसेंस बनवाना है कि नहीं बनवाना है। और इस वीडियो में मैं आपसे ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि ड्राइवरी लाइसेंस पैसे दे के बनवा लेते हैं, या फिर टेस्ट नहीं देते, टेस्ट के पैसे दे देते हैं। उन्हें ऐसा डर लगता है कि टेस्ट काफ़ी हार्ड ना हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग टेस्ट होता है, या फिर जो ड्राइविंग का ही टेस्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होगा, इसलिए वो मतलब पैसे दे देते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सचमुच पैसे देना जायज़ है, मतलब टेस्ट इतना हार्ड होता है कि ईजी होता है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले तो पहुँचते हैं हम RTO ऑफिस। ट्रैफिक जाम लगा है, और इधर अगर आपको डीजल लगवाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो आप जा सकते हैं। नंबर दिखाई नहीं दे रहा और दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि सर्च करो थोड़ा सा। और इस होटल में रहने के लिए आपको जेब से भारी भरकम पैसे खर्चना पड़ेगा। RTO ऑफिस, यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे होता है। सामने हमने अपना जो फाइल है मेरा, सामने दुकान पे ही भरवाया था। जो ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट का जो फॉर्म वगैरह होता है, खुद से नहीं भरा था, तो अभी देखते हैं फाइल का क्या होता है। मैंने अपना फाइल जो है ले लिया है, आपको मैं टेस्ट दिखाता हूँ जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है। पबजी वाले बैन हो गए, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के पबजी खेली जा रहे हैं। सुधारो इन्हें, कब सुधरोगे बबुआ? ए बबुआ, गजब बेइज्जती है। लर्निंग लाइसेंस जो मैंने अप्लाई किया था उसका मैंने फॉर्म ले लिया है। अभी मेरे में टाइम है, मेरा अपॉइंटमेंट 2 से 4 बजे तक का है, तब तक मैं आपको जो टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पीछे कार का टेस्ट चल रहा है वहाँ पे, यहाँ से कार स्टार्ट होते हैं और पीछे वहाँ तक टेस्ट चल रहा है। और बाइक की भी लाइन इधर लगी हुई है, बाइक वाला लाइन इसमें चलेगा, कार वाला उधर गया, वो देखो उनके टेस्ट चल रही है। ब्रिज वगैरह सब बनाए हुए हैं, उसी पे जो सिंबल होते हैं वो सब दर्शाए हुए हैं, देख सकते हैं। स्कूटरी चला, यहाँ पे घूमेगा एक और राउंड, पैर नहीं रखना होता शायद, इन्होंने पैर रख दिया, बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर ऐसे घूमना है, फिर वापस घुमाना है और बस यहाँ से बाहर। दूसरा स्कूटरी वहाँ से चलेगा, देखते हैं स्कूटरी लेके। मुझे लगता है स्कूटरी और छोटी बाइक के लोग ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आसान होता है रोटेट करना। ये देखो एक बार फिर स्कूटरी चला, ये घूमा, ये भी सही 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 है, सही है सही है सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये भी इनका मुझे लगता है काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ये फिर और एक बार, मेरा जो लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट था वो क्लियर हो गया, मतलब उसमें पास हो गया हूँ। 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 7 का आंसर सही सही देना होता है, शायद 7 या 6 का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 10 में से 9 का आंसर सही दिया। 1 गलत था क्योंकि 1 का मुझे मतलब डाउट सा था, लेकिन 1 गलत हो गया था, लेकिन मैं पास हो गया। आपको प्ले स्टोर पर जाके RTO करके एक एप्लीकेशन, उसे डाउनलोड कर लेंगे और अपना लोकेशन प्लस अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको काफ़ी उससे हेल्प हो जाएगा। मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, अगर आप चाहें तो हिंदी, पंजाबी या फिर मराठी, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज है वो, या फिर
हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी, या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश, अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी में कर लिया था, काफ़ी ईजी से मतलब आसानी से हो गया। पहला क्वेश्चन तो मुझे पता ही लगा करना क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कर दिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।